was made to tranquilize the tiger. This was made to look like a shooting in self-defense. This is completely illegal. We demand the resignation of Forest Minister Mungantiwar and the resignation of PCCF Mishra. That's all I have to say. Your question is sort of the next leader question to that. I will come back to this, but that's cool. Sir. That's We want to make this long right now. No Modi. I leave to every one of you here. Remember, as far as RA goes, there are many armies in RA. RA is part of the National Park. Okay, now for me as an example. आप इसकी सुनिए, अब सबकी बात सुन ली, अब आप इनकी जिसके लिए हम आए हैं उनकी सुनिए, हम कुछ नहीं कर पाए उसके लिए, उन्हीं की जबानी सुनिए। आओ आओ देखो ये खेला दुनिया रंग बिरंगा मेला, आओ आओ देखो ये खेला दुनिया रंग बिरंगा मेला, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को अब नहीं बनाई तूने, काहे को अब नहीं बनाई। कौन कहता है ईश्वर से गलतियां नहीं होती, भगवान गलतियां नहीं करता। की है उसने, दो गलतियां की हैं, एक उसने मुझे शेरनी बनाया, दूसरा उसने मुझे माँ बनाया। मुझे आज मेरे मरने का दुख नहीं है, दुख मुझे इस बात का है कि मुझे चोरों के जैसे कायरों ने मारा। अरे मर्द बन के मुझे सामने से मारते तो मैं तुम्हारी मर्दानगी की दाद देती। तुम्हें दाद देती, तुम्हारी तारीफ करती, पर तुमने तो दूसरी बागिन का पेशाब छिड़क कर मुझे धोखा दिया, चीटिंग की। मैं तुम लोगों को सिर्फ बद्दुआ के सिवा कुछ नहीं दे सकती। मेरी मौत का जिम्मेदार शावत अली और उसका बेटा, ये अमिताभ बच्चन सो कॉल किल टाइगर का, किल टाइगर का ब्रांड एम्बेसडर, ये सब लोग उतने दोषी हैं। अरे इन लोगों को वाइल्ड लाइफ से, वन्य जीवों से कोई प्यार नहीं है, इनको प्यार है तो सिर्फ पैसे से, इनका ईमान है तो सिर्फ पैसा। अरे संविधान के चार ज, जंगल जल जमीन, इन सब की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी है, इनको कोई प्यार नहीं है। ऐसे मूर्ख हैं ये जो अपने पांव में कुल्हाड़ी मारते हैं। अगर ये जंगल जमीन जल और जानवर नहीं रहेंगे तो इंसान का अस्तित्व कैसे रहेगा? अरे तुम लोग तो खत्म हो जाओगे। मैं सिर्फ इन लोगों से एक ही बात पूछती हूँ। अरे मैं ये कहना चाहूँगा, एक तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जाहिर निषेध करता हूँ, क्योंकि उसको बचाया जा सकता था, अवनी को बचाया जा सकता था। अवनी को मारने के लिए उसके पीछे की जो राजनीति,
चल रही है वो सबसे गंदी राजनीति है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि वो जगह जहाँ पे ये इंसिडेंस हुआ वहाँ पे कुछ लोग जाते हैं ज़मीन खरीदारी के लिए, जैसे अडानी ग्रुप हो, रिलायंस ग्रुप हो, इनको ये फॉरेस्ट की जगह बेची जाती है। जब जंगल में जाओगे शहरों के बीच में और उनको अपने घर से बाहर निकालोगे तभी वो कुछ रिएक्ट करते हैं, लेकिन अवनी को आप लोगों ने जानबूझ के इसके लिए मारा है ताकि आपको पूरे जंगल को कवर करना है। अवनी जैसे और न जाने कितने शेरों को, शेरनी को आपको इसी तरह से कि वो नरभक्षक है, वो आदमियों के ऊपर हमला करती है, ऐसे बोल के आपको वो पूरा जंगल कवर करके आपको आपकी फैक्ट्रीज वहाँ पे बनानी है, वहाँ पे आपको पैसा कमाना है। तो इसके लिए ये एक सिर्फ अवनी एक ऐसी है जिसके वजह से आपने ये सब कुछ किया हुआ है। अवनी को बचाने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने आज तक कुछ नहीं किया, जबकि उनको बहुत से कुछ कर सकते थे, उसको मारने की ज़रूरत नहीं थी, उसको आप अलग से रेस्क्यू कर सकते थे, कहीं लेके जाके उसको बेहोश करके ये सब कर सकते, आज सब कुछ हो सकता है। उसके बावजूद ने आपने एक ऐसे हंटर को जिसको इतना अमानुष आदमी है, वो नवाब है, नवाब उसका बेटा, दोनों को आप लोग हायर करते हो। मेरे जहाँ तक मालूम है वहाँ अब तक उसने 1100 एनिमल्स को आज तक मारा हुआ है, उसका वो शौक़ है, तो अपना शौक़ पूरा करने के लिए आप उसको महाराष्ट्र शासन उसको हायर करती है। और ऐसे अवनी जैसे कितने शेरों को उन्होंने मारा हुआ है, तो इसके लिए अपना ये महाराष्ट्र शासन और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों भी इसके लिए ज़िम्मेदार है। इसके ऊपर कोई भी पॉलिटिकल बयान नहीं आ रहे ना, बाकी वक्त हमारे ब्रांड एम्बेसडर सेलिब्रिटीज़ इसके ऊपर हमेशा बातें करते रहते हैं, लेकिन अभी वो भी इसके ऊपर कुछ बात नहीं कर पा रहे। शेरों को बचाना, ये हमें एडवर्टाइज़ के ऊपर करोड़ों रुपये खर्चे किए जाते हैं कि हमें शेरों को बचाना चाहिए, लेकिन हकीकत में शेरों को मारा इसके लिए जा रहा है क्योंकि उसके पीछे आपको बहुत सारी जगह बेचनी है, और इसके बीच में अडानी ग्रुप और रिलायंस ग्रुप है, और ये सरकार इसके लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार है। और सरकार ने ये दिखाया कि आज के बाद जहाँ इंसानों की कोई कदर नहीं है वहाँ पर एनिमल्स को तो इन लोग मारेंगे ही, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। और अवनी अब तो गई, लेकिन उसके बछड़े है अभी भी है, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। और गांव के लोगों को ये हमेशा इस तरह से बताया जा रहा है कि वो उनको खा रही है और इसीलिए हम लोग मार रहे हैं, तो लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है, हकीकत कुछ और है। उनके जंगल में जितने भी शेर है उन सबको एक एक करके मारना है। और आज के बाद ये जो हुआ है इंसिडेंट, इसके बाद ये प्रूव होता है कि पैसे के आगे और ये राजनीति के आगे कुछ भी नहीं है, और अब कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो आने वाले समय में हम लोग इसके लिए ज़रूर वो बच्चों को बचाने के लिए, वो जो बछड़े हैं उनको बचाने के लिए कोशिश करेंगे, और ये अपील करेंगे कि अगर इसी तरह से अगर आप लोग जंगल में घुस के अगर शेरों को मारोगे तो फिर तब तुम लोग आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हो? कोई भी पॉलिटिकल कोई भी पार्टी का हो आवाज़ नहीं उठा रहा है, तो उसके खिलाफ़ आवाज़ उठा के कोशिश करेंगे आज के बाद कि ये ऐसा नहीं हो और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का लॉज ये कह रहा है कि शाम के बाद आप उसको मार नहीं सकते हो, उसके बावजूद भी आप लोगों ने उनको मारा हुआ है। और इसे सेंट्रल में पीएम साहब से और सीएम साहब से दोनों से ये अपील करूंगा कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और कम से कम आने वाले समय में अभी हमें शेरों को बचाना चाहिए। और जितने भी हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, मिस्टर अमिताभ बच्चन, दिया मिर्जा जी, और जितने भी सेलिब्रिटीज़ है, आज उन लोग चुप क्यों है, इसका जवाब जनता को उनको देना चाहिए। अब आप सामने क्यों नहीं आ रहे हो और क्यों नहीं आप अपोज कर रहे हो, तो ये सवाल के जवाब तो हम लोग लेके रहेंगे। और आने वाले समय में सब आवाम को मैं अपील करता हूँ कि सब लोग हम लोग आज अगर हम लोग इकट्ठा नहीं होंगे तो आने वाले समय में जिधर जिधर जंगल होंगे और जहाँ जिधर जिधर शेर रहेंगे वहाँ पे इन लोग कब्जा करेंगे और मारते रहेंगे, तो इसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे और हम सब साथ में हैं। ओके सर, इसी के साथ मेरा सवाल ये है कि गांवकर जी फॉर बीइंग अ वेरी बिग सपोर्ट टू अस, वी आई एम विजय किशोर मोनानी, दैट्स पूनम समतानी एंड विकी डिसिल्वा, वी आर द पीपल हु रन अ एनिमल लवर ग्रुप कॉल्ड बॉम्बे एनिमल राइट्स दैट्स ऑर्गेनाइज दिस गेट टुगेदर टुडे। नितिन जी इज़ अ बिग सपोर्ट फॉर अस इन क्रूएल्टी केसेस. What the law does not help us because the laws are outdated. Nitinji on a personal level solves it for us and we are highly thankful to him. Thank you. Gitan, please come in one second. Please come. That's Gitan Dudani. He's an AWO
He believes in silent work. Anytime we have issues with BSPCA or TSPCA, Giten is the one who always helps us. Also, he handles a lot of feeders issues. जो सोसाइटीज फीडर्स को परेशान करती है, रोकती है, ये हमें सपोर्ट करते हैं. एंड बॉम्बे एनिमल राइट्स इज वेरी वेरी थैंकफुल टू गीतेन दुदानी फॉर ऑल द सपोर्ट. टू वर्ड्स प्लीज. जस्ट डोंट बी क्रूअल टू एनिमल्स, यू नो, जस्ट ट्राई टू कोएग्जिस्ट विद एवरीथिंग दैट इज अराउंड यू. दैट्स इट. थैंक यू. वी थैंक द एंटायर मीडिया फॉर ऑल योर सपोर्ट. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच.